आर्कमिडीज प्रिंसिपल का ये प्रूफ स्कूल में आता है, स्टेट एंड प्रूव आर्कमिडीज प्रिंसिपल। आर्कमिडीज प्रिंसिपल के प्रूफ में ये जो हम प्रूफ अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले आर्कमिडीज प्रिंसिपल के एग्जाम्पल को पहले समझते हैं। मतलब मैं इस तरीके से पढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता, पहले मैं थ्योरी बताऊं, फिर मैं ऐसे ऐसे डेरिवेशन करवाऊं, फिर मैं फ़ायदा नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं आर्कमिडीज है क्या। आर्कमिडीज प्रिंसिपल, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर आपकी बॉडी डूब गई, लोहे का स्फेयर है और वो डूब गया, क्या उस पर आर्कमिडीज लगेगा कि नहीं लगेगा? डूब गई, तैर नहीं रही, तो लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। अच्छा ठीक है, आर्किमिडीज ने कोई गारंटी नहीं ली थी कि तुम मेरा प्रिंसिपल लगाओगे तो चीजें तैरेंगी। वो कहता था तैर भी सकती हैं और डूब भी सकती हैं, अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो गई तो, या एक उसने कंडीशन बनाई थी, अगर ट्रू हो गई तो तैर जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी। तो ये मत सोचना कि ये तो बॉडी पूरी तरह डूब गई इसके ऊपर नहीं लगेगा, बिल्कुल गलत। आप अगर आर्कमिडीज की स्टेटमेंट भी पढ़ लें, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड कंप्लीटली और पार्शली, पार्शली मीन्स तैर भी सकती है, कुछ पोर्शन हवा में और कुछ पानी में, उसको पूरा डुबो दो या कुछ पोर्शन डुबो दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में लगेगा। आर्कमिडीज प्रिंसिपल जो मैं यूज़ करता हूँ, या आपके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके हिसाब से मैंने इसको ना दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, देखो कन्फ्यूजन होती है, कोई वॉल्यूम में बात कर रहा है, कोई वेट में बात कर रहा है, कोई डेंसिटी में बात कर रहा है। मैंने बहुत सिंपल दो चीज़ें बनाई इसमें, और वो चीज़ें ऐसी हैं आपका न्यूमेरिकल इससे बाहर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैंने केस वन बनाया कि जब बॉडी पूरी तरह डूब गई, और दूसरा केस बनाया जब बॉडी तैर रही है। देखो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो डूबेगी या तैरेगी, तो आपका न्यूमेरिकल उड़ेगी तो है नहीं, तो मतलब दो ही कैटेगरीज में न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, या तो डूब जाएगी या तैर जाएगी। तो इसलिए मैं आर्कमिडीज प्रिंसिपल पहले लगाता हूँ, जब ये बॉडी कंप्लीटली इमर्स्ड कर देंगे हम लिक्विड में, और मेरी तरफ से ये सॉलिड का स्फेयर है, ये आयरन का स्फेयर है, और ये मान लो डूब गया, कोई चक्कर नहीं, तैरने की बात ही नहीं करनी अभी, ठीक है? तैर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकता, आपने इसको पकड़ के रख लिया तो भी कोई बात नहीं, मतलब ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। तो मैं ये ज्यूम करता हूँ कि चलो ये पूरी तरह सिंक कर गया, और आपने उठा के लोहे के स्फेयर को पानी में डाल दिया। करें स्टार्ट। ठीक, तो इसके अंदर इमेजिन करो बॉडी का जो वेट है हवा में वो कितना है, 10 न्यूटन है, सिंपल है, 10 न्यूटन है। आपने इसको लिक्विड में डाल दिया, लिक्विड में इसका वेट कितना हो गया, 8 न्यूटन। मतलब अगर आप लोग भी पानी में जाएंगे, और वैसे तो आप वेट मान लो आपका 50 न्यूटन है, पानी में 25 न्यूटन हो गया, आप हल्के हो जाएंगे, होंगे, आपका वेट सच में लॉस हो जाएगा? नहीं, एक्चुअल में क्या हो रहा है, बिल्कुल वाटर क्या लगा रहा है, अप थ्रस्ट, पानी किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, और ऊपर ही लगाता है, नीचे नहीं लगाता। तो ऊपर क्यों लगाता है डिस्कस करेंगे, तो ऊपर की फोर्स लगाता है, तो जो ऊपर को बोलते हैं अप, और पानी की फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट, अप थ्रस्ट, तो ऊपर की फोर्स लगेगी। तो ऊपर की फोर्स कितनी लगी, 2 न्यूटन लगी। तो एक्चुअल वेट तो 10 था, पर पानी लगातार उसके ऊपर 2 न्यूटन फोर्स लगाए जा रहे हैं अपवर्ड, तो फिर एपरेंट वेट पानी के अंदर बॉडी का वेट क्या एक्सपीरियंस होगा, 8 न्यूटन। आप खुद भी पानी में उतरते हैं, आपको हल्का फील होता है, क्योंकि आपका वेट के ऊपर क्या लगा रहा है, पानी, अप थ्रस्ट। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि जब 10 से 8 हुआ तो देयर इज लॉस इन वेट, तो ये लॉस इन वेट कितना आया, 10 में से 8 गया, 2 न्यूटन। ये लॉस इसलिए आया क्योंकि लगातार पानी क्या लगा रहा है, अप थ्रस्ट, कितना, 2 न्यूटन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि लॉस इन वेट 2 न्यूटन, अप थ्रस्ट भी कितना है, 2 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अप थ्रस्ट 2 न्यूटन, तभी तो लॉस इन वेट 2 न्यूटन, लॉस इन वेट जो है वो 2 न्यूटन है। तो पहली स्टेटमेंट क्लियर है, जब ये पानी में पूरी तरह बॉडी चली जाएगी तो जो लॉस इन वेट होगा वही क्या होगा, अप थ्रस्ट होगा। नेक्स्ट, आर्कमिडीज प्रिंसिपल का प्रूफ जो भी मैंने छोड़ा अभी करेंगे, आर्कमिडीज के प्रूफ में मैं ये प्रूफ करूंगा कि जो अपथ्रस्ट होता है एंड जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है वो एक ही बात होती है। मतलब अगर आप इस बॉडी को पानी में उतार दें तो ये पानी को डिस्प्लेस करेगा,
जो पानी डिस्प्लेस होगा तुम उसे तोल लें, उसका वेट मेजर कर लें, किसी कंटेनर में जिसने डिस्प्लेस किया जगह ले ली उसको तोल लें, उसका वेट मेजर कर लें, वो वेट भी 2 न्यूटन ही आएगा। तो इसका मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड अप थ्रस्ट एक ही बात है, और ये बात आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने प्रूव की थी। जो मैंने ऊपर छोड़ा वो यही प्रूव कर रहा था कि जो जो अप थ्रस्ट है और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो एक ही बात है। इस प्रूफ पे अभी मैं प्रूव कर दूंगा इसे। अभी इस एग्जांपल में ये मान के चलें कि बॉडी का जो लॉस इन वेट हुआ या अप थ्रस्ट हुआ या वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ वो एक ही बात है। क्या ये डेफिनेशन क्लियर है? आपकी किताबें ऐसा लिखती हैं इसे कि अगर मान लो हवा में वेट W1 है, पानी के अंदर वेट W2 है, लिक्विड में वेट W2 है, तो लॉस इन वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड या अप थ्रस्ट एक ही बात है। क्या ये पहली डेफिनेशन सबको क्लियर है? और मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि बॉडी तैर रही है, मतलब मेरी तरफ से तो बॉडी सिंक कर जाए तब भी ये रूल तो तब भी लगेगा। कोई डाउट इसमें? तो पहली डेफिनेशन क्लियर है, ठीक। फिर सुनो सेकेंड। सेकेंड रूल हम तब लगाएंगे जब आपकी बॉडी तैरेगी, फ्लोट करेगी, और मान लेते हैं उसका कुछ पोर्शन हवा में है और कुछ लिक्विड में है। टोटल वॉल्यूम मान लो वी है, टोटल वॉल्यूम मान लो वी है इसका बॉडी का, इसमें से कुछ वॉल्यूम वी डैश हवा में तैर रहा है और बचा हुआ वी माइनस वी डैश पानी में तैर रहा है। तो रूल ये कहता है, देखो बेसिक्स क्या कहते हैं, अगर ये पेन जो कि 4 न्यूटन का वेट रखता है ये पानी में तैर रहा है तो पानी ने इसके ऊपर फोर्स कम से कम 4 तो लगाई ही है ना। पानी की फोर्स को क्या बोलते हैं? अप थ्रस्ट। तो इस जो अगर ये बॉडी तैरना चाहती है, अगर ये बॉडी तैरना चाहती है तो पानी की जो अप थ्रस्ट की वैल्यू है वो कम से कम इसके वेट के इक्वल तो होनी ही चाहिए तभी तैरेगी। और अगर ये इक्वल ना हुई, अगर पेन का वेट बढ़ गया अप थ्रस्ट कम हो गया तो पेन डूब जाएगा, और अगर अप थ्रस्ट ज़्यादा हो गया तो ये पेन हवा में आके मीन्स कुछ पोर्शन हवा में और कुछ पानी में तैरेगा। तो बेसिक्स क्लियर है। और वही तो ये कह रहे हैं कि अगर ये तैर रही है तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड या अप थ्रस्ट एक ही बात है। चलो तो यहाँ से देख लेते हैं, अगर ये तैर रही है तो जो सबमर्ज्ड पोर्शन है, जो डूबा हुआ पोर्शन है, क्योंकि जो हवा में गया, जो हवा में तैर रहा है वो तो देखो पानी के अंदर है नहीं, वो तो हवा में ही है। अब जो पोर्शन पानी में घुस गया उसके ऊपर क्या लगा? अप थ्रस्ट। पानी ने इसके ऊपर फोर्स लगानी है जो इसके अंदर सबमर्ज्ड है। तो जो अप थ्रस्ट लगेगा अगर ये बॉडी तैर रही है तो वो अप थ्रस्ट किसके इक्वल होना चाहिए? होल वेट ऑफ दी बॉडी। तो अगर ये बॉडी तैरती है तो अगर पूरी बॉडी का वेट 10 न्यूटन है तो अप थ्रस्ट को भी 10 ही होना पड़ेगा। अगर अप थ्रस्ट कमजोर रह गया तो फिर ये तो बॉडी डूबेगी। आपको कहे सर ये एग्जाम्पल आपने यहाँ क्यों नहीं लगाया, यहाँ क्यों नहीं बोला कि अप थ्रस्ट इक्वल टू होल वेट ऑफ दी बॉडी? अगर मैं बोल देता तो ये बॉडी तैर ना लेती, तो मैं तो कह ही रहा हूँ ये बॉडी डूबेगी। तो अगर अप थ्रस्ट होल वेट के इक्वल हो गया फिर तो पक्का तैरेगी, और मैंने इसमें क्या माना? मेरी बॉडी सिंक कर गई, डूब गई। तो डूब गई यानी कि होल वेट के इक्वल अप थ्रस्ट हुआ ही नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो बॉडी मीन्स तैरती है, फ्लोट करती है, उसमें ये रूल याद रखेंगे कि अप थ्रस्ट इज इक्वल टू होल वेट ऑफ दी बॉडी। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो अप थ्रस्ट है और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है बात एक ही है। ये मैं प्रूव करने वाला हूँ इस बात को। तो आर्किमिडीज की जो जो प्रिंसिपल है आर्किमिडीज का, वो फ्लोटिंग बॉडी में कैसे लगेगा कि अप थ्रस्ट या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ दी बॉडी। क्या ये दो डेफिनेशंस क्लियर हैं? तो पहली डेफिनेशन ये है कि जब कोई बॉडी पूरी तरह सबमर्ज्ड है और मान लो वो सिंक कर गई, लोहे का स्फेयर है सिंक कर गया, तो देयर इज लॉस इन वेट, वो लॉस इन वेट अप थ्रस्ट है, ठीक, या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, एक ही बात है। और कोई बॉडी अगर फ्लोट कर रही है तो अप थ्रस्ट या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किसके इक्वल है? होल वेट ऑफ दी बॉडी के इक्वल है। क्या ये दो डेफिनेशंस क्लियर है? ना, जो समर्ज पार्ट, फिर तो तुम इस शिप पे तो पूरे टन्स के अंदर वेट लगा दो। तुम तो कहोगे ठीक है एक बार बॉडी तैर रही है फिर जितना भी सामान रख दो डूबेगी नहीं कभी भी। नहीं, पूरे वेट के इक्वल होता है। पूरी बॉडी, पूरे जहाज को तैरना है, पूरी शिप को तैरना है, तो शिप पे तुम जितना मर्जी सामान रखते जाओगे तो डूबी जाएगी, जबकि वो तो पानी में रखा नहीं तुमने फिर भी डूब रही है। इसका मतलब होल वेट को बैलेंस करेगी।
क्या ये डेफिनेशन क्लियर है यहाँ तक? इसको बहुत ध्यान से लगाना सीखो। देखो डेफिनेशन पढ़ने से कुछ ना होगा तो तुम याद भी कर लोगे, इसको लगाना सीखो। सबसे पहले इस चैप्टर में जब मैं बोलूँगा वेट, तो याद रखना वेट का मतलब क्या होता है, mg। यहाँ पर mg नहीं चलता, मास को लिखते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, और वेट क्या हुआ, वी रो जी। तो मतलब वेट आज के बाद जब मैं बोलूँगा वी रो जी वेट होता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? इसमें mg नहीं चलता, इसमें mg की जगह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी चलता है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी वेट ऑफ द बॉडी है। करें स्टार्ट। ये देखो मैंने क्या बोला, अगर ये बॉडी तैर रही है तो मैंने क्या बोला कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज होल वेट ऑफ द बॉडी। अब तुम मुझे सिर्फ एक चीज बताओ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी, मैं बता रहा हूं। तो इसके अंदर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बताओ कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड अगर निकालना है तो कितने पोर्शन ने पानी को डिस्प्लेस किया? सिर्फ इतने पोर्शन ने। आप कहोगे होल वेट ने नहीं किया, नहीं किया, इस पोर्शन ने पानी को पानी की जगह इसने ली है। अगर मैं अपना हाथ पानी के अंदर डाल दूं, मेरे हाथ का वॉल्यूम 10 m³ है, तो और हाथ पानी में गया, पूरी बॉडी पानी में नहीं गई, तो पानी डिस्प्लेस का वॉल्यूम कितना होगा, 10 m³ डिस्प्लेस होगा, मेरी बॉडी जितना नहीं होगा भाई। जो चीज़ पानी में गई वही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी। तो मैंने क्या बोला इसमें कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में हम क्या करेंगे, किसका वेट निकाल रहे हैं, लिक्विड का। किसका वेट निकाल रहे हैं, लिक्विड का। तो लिक्विड का अगर वेट निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम किसका लेंगे, लिक्विड का। तो बोलो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना है? मैंने ये नहीं कहा वॉल्यूम ऑफ बॉडी बताओ, मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बताओ, वी माइनस वी डैश। मैंने क्या बताया, जितना पोर्शन जिस बॉडी का पानी में चला गया, वी माइनस वी डैश चला गया वॉल्यूम, तो पानी का वॉल्यूम भी वी माइनस वी डैश ही बाहर निकलने वाला है। तो पानी का वॉल्यूम क्या होगा, वी माइनस वी डैश। ये पहला स्टेप क्लियर है। इनटू किसका वेट निकल रहा है, लिक्विड का। तो डेंसिटी भी किसकी यूज करनी है, लिक्विड की। अगर बॉडी का वेट पूछा जाए बॉडी की डेंसिटी, लिक्विड का वेट पूछा जाए लिक्विड की डेंसिटी, तो लिक्विड की डेंसिटी इनटू जी। तो क्या ये स्टेप क्लियर है कि क्या आ गया मेरे पास, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, और इसका दूसरा नाम क्या है, अपथ्रस्ट, एक ही बात है। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड या अपथ्रस्ट एक ही बात है। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? और आर्किमिडीज क्या कहते हैं कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज होल वेट ऑफ द बॉडी। बोलो होल वेट कैसे निकलेगा, होल वेट ऑफ द बॉडी, होल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कितना है, वी। अब क्योंकि मैं किसका वेट निकाल रहा हूं, होल वेट ऑफ द बॉडी, तो डेंसिटी किसकी, बॉडी की इंटू जी। ये मैथमेटिकल वर्जन है इसका, आपने आर्किमिडीज मैथमेटिकली ऐसे लगाना है। मैं आपको इस एग्जाम्पल को लगा के दिखाता हूं एग्जाम्पल में, जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है, आइसबर्ग इज फ्लोटिंग पार्शली इमर्स्ड इन अ सी वाटर। ये देख रहे हो एक आइसबर्ग है और वो सी वाटर में तैर रहा है, पार्शली, कुछ पानी में कुछ बाहर है। आपको क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर गिवन है, आपको डेंसिटी ऑफ आइस भी गिवन है। What fraction of total volume of iceberg is above sea water? तो sea water के ऊपर कितना volume है, V dash। वो बोल रहा है fraction बताओ, percentage या fraction बताओ volume का जो हवा में है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे इसमें निकालना है V dash by V into 100। तो मुझे क्या निकालना है, कितना volume हवा में है, V dash है upon total volume V, तो V dash by V into 100 निकालना है। समझ में आ रहा है? अब आपको एक ही चीज़ आती है और वो है फ्लोटिंग प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का फ्लोटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर ये बॉडी तैर रही है तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। शुरू करें, वैल्यूज पुट करें। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड में मान लेते हैं वी डैश ऊपर है, तो वी माइनस वी डैश कहाँ पे है, पानी के अंदर है। तो वेट ऑफ लिक्विड में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वी माइनस वी डैश, क्योंकि सबमर्ज पोर्शन वी माइनस वी डैश है, तो पानी का वॉल्यूम भी वी माइनस वी डैश है। हम किसकी वेट की वैल्यू निकाल रहे हैं, लिक्विड की, तो डेंसिटी किसकी, लिक्विड, और लिक्विड कौन है इसमें, सी वाटर इनटू जी। तो ये क्या आ गया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड आ गया मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ दी, यहाँ पे आएगा बॉडी ऑफ द वाटर नहीं आएगा, ऑफ द बॉडी करो, होल वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी करो।
अब बॉडी कौन है यहाँ पर? आइसबर्ग। तो होल वेट बोलो कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना आइसबर्ग का? वी। डेंसिटी कितनी आइसबर्ग की? डेंसिटी आइस, और इनटू जी। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई। आइस की डेंसिटी पता है, सी की डेंसिटी पता है, वी बाई वी वन है, वी डैश बाई वी, यहाँ से वी डैश बाई वी निकाल लो, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल लो। मेन जो स्टेप है ये स्टेप है पहला, बस उसके बाद तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है कि आर्कमिडीज को कैसे लगाया जाएगा, और वो भी कब, जब फ्लोटिंग प्रिंसिपल है। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक। तो ये मैंने एग्जांपल किसका दिया, ये मैंने इसका एग्जांपल दिया जब बॉडी तैरती है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूँ जब बॉडी डूब जाती, इसका न्यूमेरिकल कैसे आएगा, लिखा नहीं हूँ, अपने मन से बना रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम में जब बॉडी सिंक कर जाती है, आर्कमिडीज को कैसे लगाना है और ये कैसे हेल्प करेगा, देखो। वो कहेगा एक ना ज्वेलर है, सोने के आइटम बेच रहा है, और एक एक सेट है, उसको ना उस सेट का वॉल्यूम निकालना है। मैथ उसको आता नहीं कि वो उसका ट्रायंगल का वॉल्यूम निकाल ले, एरिया, और तुम्हें भी इतना मैथ नहीं आता कि तुम किसी ज्वेलरी सेट का तुम वॉल्यूम भी निकाल दो, नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत डिज़ाइन है और पता नहीं मोती भी है और बहुत कुछ है, नहीं निकाल पाओगे। पर वो 2 मिनट में निकाल देगा। कैसे? वो क्या करेगा, इस सेट को पहले हवा में तोल लेगा, W1, हवा में तोल लेगा W1। तो मान लो W1 की वैल्यू उसकी मान लो 10 न्यूटन थी, तोल लिया हवा में। अब वो क्या करेगा, उसको पानी में जाके तोलेगा, और वेट कितना आ गया, W2 मान लो 8 न्यूटन आ गया। इतना तो कर ही लेगा, उसने हवा में तोल लिया, उसने पानी में तोल लिया। आर्कमिडीज प्रिंसिपल सीख के बैठा है, और आर्कमिडीज क्या कह रहे हैं, और निकालना क्या चाह रहे हैं, इस बॉडी का वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं। इसमें फ्लोटेशन का तो कोई काम है नहीं, वैसे भी ज्वेलरी सेट तो वैसे भी तैरता नहीं है, तो डूबी जाएगा, सोना डूबेगा डूबेगा। तो इसके अंदर क्या है, रूल क्या लगेगा, वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू वॉट, मस्ट बी इक्वल टू लॉस इन वेट। होल वेट मत करना इस बार, लॉस इन वेट, क्योंकि इस बार वो तैर नहीं रहा। तो लॉस इन वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब लॉस इन वेट तो उसको पता है, 10 में से 8 गया, 2 हो गया। अब वो क्या करेगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड में वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना है? अगर इस पूरा बॉडी का वॉल्यूम वी है, तो पानी का वॉल्यूम कितना है, वी, क्योंकि पूरे का पूरा बॉडी डूबी हुई है, तो वॉल्यूम कितना है इसका, पानी का भी डिस्प्लेस्ड, क्या होगा जो पानी डिस्प्लेस करेंगे उसका वॉल्यूम क्या होगा, वी। किसका वेट निकल रहा है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है SI में, 1000, और इनटू जी। लो, 1 मिनट में वॉल्यूम निकाल के परे मारेगा आंसर। क्या कमाल की चीज़ है, कोई ट्राइंगल का एरिया नहीं, कोई रेक्टेंगल का एरिया नहीं, आंसर आ गया वॉल्यूम का। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? तो वो एयर में, हम एयर में और वाटर में वेट तोल लेते हैं, और उसके डिफरेंस से ही हम वॉल्यूम निकाल पाते हैं बहुत ईजिली इस तरीके से। तो समझ में आ रहा है कि इसका एग्जाम्पल कैसे काम आएगा। अब आर्कमिडीज प्रिंसिपल इसका मतलब 2 तरीके से लगेगा। एक आर्कमिडीज कैसे लग रहा है, एक तो या तो डूब जाएगा जैसे ज्वेलरी वाला एग्जाम्पल है, या बॉडी तैरेगी। तो दोनों लगाने आगे कैसे लगेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है अभी, जैसे बताया मैंने स्टेटमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, आर्कमिडीज का प्रूफ जो स्कूल में आएगा, इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल, लिख लें प्लीज़।